सॉल्यूशन ऑफ एचसी वर्मा चैप्टर नंबर 3 रेस्ट एंड मोशन काइनेमैटिक्स क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ए मैन हैज टू गो यानी कोई आदमी जाता है 50 मीटर ड्यू नॉर्थ 50 मीटर उत्तर की ओर कॉमा 40 मीटर ड्यू ईस्ट 40 मीटर पूर्व की ओर एंड 20 मीटर ड्यू साउथ और 20 मीटर दक्षिण की ओर टू रीच ए फील्ड यानी किसी क्षेत्र में पहुंच जाता है। फिर कहता है ऑप्शन नंबर ए कि व्हाट डिस्टेंस ही हैज टू वॉक टू रीच द फील्ड यानी वह फील्ड को कितने दूरी तक मतलब वह फील्ड में कितनी दूरी तय करता है। और ऑप्शन नंबर बी कहता है कि व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू द फील्ड तो उसके घर से जहां वह पहुंचा है उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी। चलिए तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर ए पे बात करते हैं। बच्चों आपको पता है कि सबसे पहले आप इसका क्या करो इसका डायरेक्शन दिखा लो। तो सबसे पहले हम इसका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये पूरा दिखाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अगर दिखाते हैं तो इस तरह से हम एक लाइन खींच लेते हैं ये वाला और एक लाइन हम ऐसे खींच लेते हैं। और आपको तो पता है कि इधर जो होता है ये नॉर्थ होता है इधर साउथ होता है ठीक इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है ठीक। इसने कहा क्या है और यहाँ पर ओरिजिन है इसी ओरिजिन से कोई भी वर्क हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहला कहता है कि व्हाट डिस्टेंस ही हैज टू वॉक टू रीच द फील्ड डिस्टेंस यहाँ पर डिस्टेंस का बात कर रहा है मतलब डिस्टेंस का वर्ड। और इसके लिए जो बातें हो रही है वो ये हो रही है कि 50 मीटर देखिए कह रहा है कि 50 मीटर आपको जाना है किधर की ओर तो नॉर्थ की ओर 50 मीटर आपको नॉर्थ की ओर जाना है फिर 40 मीटर ड्यू ईस्ट फिर यहां से आपको 40 मीटर जाना है किधर की ओर ईस्ट की ओर। तो देखिए ये वाला लाइन ये ईस्ट की ओर है और पुनः ये 20 मीटर चला आता है साउथ की ओर 20 मीटर की ओर चला आता है साउथ की ओर तो यहां से साउथ तो नीचे हो गया। तो डिस्टेंस कवर्ड जो होगा बच्चों इसका हम एक शॉर्ट एक सॉफ्टली फिगर इसके सिमिलर फिगर जस्ट इसके बगल में बनाते हैं ये ओरिजिन मान लिए। तो ये इस तरह से 50 मीटर ये गया नॉर्थ की ओर ठीक उसके बाद ये 40 मीटर गया 40 मीटर गया ईस्ट की ओर तो ये गया 40 मीटर ईस्ट की ओर और पुनः 20 मीटर ये आ गया इधर साउथ की ओर। तो सबसे पहले कहा था डिस्टेंस कवर्ड तय की गई दूरी डिस्टेंस डिस्टेंस को डायरेक्शन से मतलब नहीं है वो जितना दूर चलेगा टोटल का सम हो जाएगा जैसे 50 मीटर गया किधर नॉर्थ की ओर 40 मीटर गया ईस्ट की ओर 20 मीटर आ गया साउथ की ओर। तो टोटल सम यानी 50 प्लस 40 प्लस 20 को अगर आप ऐड कर दोगे ये डिस्टेंस का वर्ड निकल जाएगा ऑप्शन ए का आंसर। और इसी में ऑप्शन बी कहता है व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो दो बिंदु के बीच का टू पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो एक पॉइंट जहां से चले और एक पॉइंट जहां को पहुंचे और जहां जहां से चले और जहां को पहुंचे इसके बीच की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो तो यही होगा। तो यही जो कहलाएगा ये जो इतना कहलाएगा ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। लेकिन जो पूरा दूरी तय करके यानी जो टोटल डिस्टेंस कहलाएगा वो कहलाएगा 50 मीटर 40 मीटर और 20 मीटर। तो बच्चों ऑप्शन ए का अगर हम लोग सॉल्यूशन करें यानी अगर हम डिस्टेंस कवर्ड यहाँ पर निकालें तो क्या हो जाएगा। तो डिस्टेंस कवर्ड अगर निकालोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 50 मीटर टोटल डिस्टेंस जितना आप चले हैं जिधर भी चले हैं डिस्टेंस को डायरेक्शन से मतलब नहीं है डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इसका मतलब जिधर जिधर आप चले हैं सभी डिस्टेंस को जोड़ दीजिए डिस्टेंस कवर्ड की वैल्यू आ जाएगी। तो 50 मीटर आप चले थे किधर नॉर्थ की ओर 40 मीटर ईस्ट की ओर और 20 मीटर साउथ की ओर टोटल को जोड़ दीजिए तो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना 110 मीटर। ये हम लोगों का पार्ट ए का आंसर रहा। चलिए तो पार्ट बी पे भी हम लोग बात करते हैं। बच्चों अगर पार्ट बी पे हम लोग अगर बात करें तो पार्ट बी के लिए फिगर देख लीजिए। तो सबसे पहले अगर बात करें तो पार्ट बी में कहा था डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो बच्चों देखो इधर ये गया 50 मीटर फिर से हम फिगर ड्रा करते हैं इधर 50 मीटर
इधर ईस्ट की ओर 40 मीटर और पुनः साउथ की ओर 20 मीटर, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वही तो डिस्प्लेसमेंट होता है, यही तो मेरा डिस्प्लेसमेंट है। तो कहता क्या है, अब देखो ये 50 मीटर अपवर्ड है और 20 मीटर डाउनवर्ड है, यानी इसके रिस्पेक्ट में ये निगेटिव बन रहा है। तो हम दोनों वेक्टर को एक समान रूप में लिखें तो 50 मीटर प्लस में लेंगे तो ये डायरेक्शन निगेटिव में, तो 20 मीटर इसमें से घटा दो तो कितना बच जाएगा 30 मीटर, यानी इसको लिख लेते हैं हम 30 मीटर, क्योंकि इस 50 मीटर में से इस 20 को हम घटा दिए, क्योंकि 50 मीटर ऊपर की ओर प्लस डायरेक्शन में, ये नीचे की ओर माइनस डायरेक्शन में, ठीक। तो ये 50 में से 20 यहां पर क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा, तो यहां बचेगा कितना, ये 30 मीटर बच जाएगा, और ये कितना, ये हम लोगों का है 40 मीटर, ये कितना 40 मीटर। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये वाला, यानी एक तरह से रिजल्टेंट के रूप में, रिजल्टेंट ही यहां पर क्या दे देगा हम लोगों को, ये यहां पर हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट दे देगा। और इस जगह पे अगर हम बात करें तो ये दो वेक्टर के जो बीच का एंगल है वो कितना है, तो वो 90 डिग्री है। तो बच्चों अब अगर फिगर तो आपको मैंने समझा दिया है, चलिए तो रिजल्टेंट वेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, तो वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, ये तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है। यहां पर देखिए हम एक को वेक्टर ए मान लेते हैं, वेक्टर ए हम मान लेते हैं 30 मीटर को, और वेक्टर बी हम मान लेते हैं 40 मीटर को, ये मान लिया। और थीटा, थीटा रिजल्टेंट के लिए उसी मतलब उसी वही थीटा बनेगा जो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल यहां पर कितना है 90 डिग्री है, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो यानी इसका मतलब क्या करोगे आप, तो ए का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के जगह पे 30, बी के जगह पे 40, और कहता है कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा की वैल्यू कितनी है, तो 90 डिग्री है। कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 तो जीरो हो जाता है, तो कॉस 90 जब जीरो हो जाएगा तब क्या करोगे, 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 2 इंटू 30 इंटू 40, और कॉस जीरो, कॉस 90 की वैल्यू होती है जीरो। तो बच्चों अगर जीरो से अगर इस टर्म में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो पूरा क्या बन जाएगा, जीरो ही बन जाएगा। अगर पूरा ये इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी इस वाले टर्म की वैल्यू, तो ये तो रहेगा ही नहीं, इसका तो काम ही खत्म हो गया। तो इसका मतलब आपके पास बच कितना जाएगा, तो उधर 900 प्लस 1600 इक्वल टू रूट अंडर 2500, और 2500 का अगर आप रूट निकालोगे तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 50 मीटर। ये हम लोगों के बी पार्ट का आंसर रहा। इसी तरह से हम लोग एंगल भी इसका फाइंड आउट कर लेते हैं, साथ साथ एंगल भी अगर फाइंड आउट कर ले ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए तो कहता है कि नाउ टू फाइंड, अब हम लोग क्या करेंगे एंगल निकाल लेंगे, नाउ टू फाइंड इट्स एंगल विथ आर वेक्टर, यानी इसका जो एंगल है इसके साथ का, तो आर वेक्टर के साथ का, तो टेन थीटा जो इसका हो जाएगा वो टेन थीटा क्या हो जाएगा, वो टेन थीटा हो जाएगा पी बाई बी। एंगल निकालने के लिए स्लोप ही देगा ना, स्लोप टेन थीटा, तो पी बाई बी से निकलेगा। पी की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में देखिए, तो पी की वैल्यू ये पी बन जाएगा, तो पी हमने कितना लिया था 30, ये बेस इसका बन जाएगा, तो ये हमने कितना लिया था 40, तो ये हम लोगों का रिजल्टेंट बन रहा था, ठीक। तो बच्चों तो कितना हो जाएगा 30/40, और इसे कट कीजिएगा तो आ जाएगा 3/4, यानी tan थीटा की जो वैल्यू आ गई वो वैल्यू आ गई यहाँ पर कितना 3/4, तो थीटा कितना मिल जाएगा, तो ये tan तो आपका इनवर्स फंक्शन में चला जाएगा, तो tan इनवर्स 3/4। इस तरह से ये रिजल्टेंट का जो एंगल हम लोगों का है उसका वैल्यू आ गया। दिस इज आवर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 3।